नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विवाद के बारे में बात करेंगे जो भारत और नेपाल के रिश्तों को और भी तनावपूर्ण बना सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने हाल ही में एक नया नोट जारी करने का फैसला किया, जिसमें नेपाल का नया नक्शा शामिल है, लेकिन यह नक्शा भारत के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों को भी दर्शाता है। चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं। नया नोट 100 रुपए का होगा और इसमें लिपियाथुरा, लिपुलेख और काला पानी का नेपाल का हिस्सा बताया गया है। ये वो क्षेत्र है जिन पर भारत भी अपना दावा करता है। दरअसल ये विवाद 2020 में शुरू हुआ जब नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया। उस समय से ही भारत और नेपाल के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। भारत ने कहा कि ये दावे पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और इन्हें स्वीकार नहीं करा जाएगा। इस नए नोट को छापने का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया गया है जो 30 करोड़ नोट छापेगी। इसके लिए कंपनी को लगभग 89.9 लाख डॉलर मिलेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओली सरकार इस मुद्दे को राष्ट्रवाद की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है ताकि लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया जा सके। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि नेपाल में एक तरफा दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सीमा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक स्थापित मंच के माध्यम से बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर ये सीमा 1751 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। लिपियाथुरा, लिपुलेख और कालापानी की स्थित नेपाल के पश्चिम हिस्से में है जो उत्तराखंड से सटा हुआ है। नए नोट के जारी होने पर भारत की तरफ से अभी कोई आधारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ सकती है। तो दोस्तों, ये था नेपाल के नए नोट और उनके पीछे का विवाद। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।